पोको F5 डिवाइस के लिए प्रोजेक्ट XLR का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है एंड इस रॉम को मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सच में इस रॉम के साथ जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है, कोई भी लैग, कोई भी मेजर इशू का हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर इस रॉम को आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 5G काम कर जाएगा, 4G यहाँ पर काम कर जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कोई भी मेजर इशू नहीं है। इवन यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, प्लस बेटर बैटरी बैकअप है एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान प्रोजेक्ट XLR रॉम का जो है फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन के साथ। तो यहाँ पर ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर गेस्चर्स के साथ जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट डबल टैप का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। सिंपली डबल टैप करके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। नेविगेशन मोड, वन हैंडेड मोड, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है। स्मार्ट पॉज का जो फीचर्स है यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्विकली ओपन कैमरा, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन एंड लिफ्ट टू चेक फोन का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के साथ जो है जो लॉक स्क्रीन में क्विक सेटिंग्स पैनल को हाइड करने का ऑप्शन है, प्लस हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ब्राइटनेस को चेंज करने के दौरान हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाएगा। UI के ऊपर जो है इवन वॉल्यूम पैनल के साथ भी हैप्टिक फीडबैक को ऐड किया गया है। UI के साथ जो है यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा प्रोजेक्ट XLR रॉम के साथ। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस आइकन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, प्लस डेटा यूजेस का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है, पर डेटा यूजेस भी काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सर्च बार के साथ जो है 4G आइकन का ऑप्शन है, डेटा डिजिबल आइकन का ऑप्शन है, प्लस ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर सर्च बार के साथ जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। तो ये जो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, जो सर्च बार के ऊपर जो आइकॉन है इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो फीचर्स है ऐड किया गया है, बैटरी स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो। डायनेमिक आइलैंड नोटिफिकेशन का जो फीचर्स से काम कर जाएगा, यहाँ पर इस तरह से इसे भी ऑप्शन है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। सर्च बार में डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है बंद हो जाएगा, इसे ऐड किया गया है। एज लाइट का जो फीचर्स यहाँ पर काम करता है, प्लस स्किन ऑफ एनिमेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, रैपल एनिमेशन का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का जो फीचर से पर ऐड किया गया है। थीम्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर कस्टम थीम का जो फीचर से यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो है पिच ब्लैक थीम का जो फीचर से काम कर जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट, आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन, वाईफाई आइकॉन, ब्राइटनेस स्लाइडर, इवन जो डेटा आइकॉन स्टाइल है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पर कम्प्लीटली जो सेटिंग्स मेनू है यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है, देख सकते हो जिस तरह से सेटिंग्स मेनू कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। अबाउट फोन की अगर बात करें, तो कुछ इस तरह से अबाउट फोन के साथ UI देखने को मिलेगा। तो ये जो रॉम है एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट XLR का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर 5th अप्रैल 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 5.10 कर्नल के साथ, प्लस ए जो बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है एंड जो स्मूथनेस है काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है जो बैटरी बैकअप है काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर इम्प्रूव बैटरी बैकअप है, तो यहाँ पर बैटरी वेजर्स का फीचर है, बैटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर को चेक कर सकते हो, प्लस जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे भी देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ भी हमने कोई भी इशू को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चार्जिंग कंट्रोल का फीचर है, यहाँ पर जैसे कि हमने चार्जिंग कंट्रोल को एनेबल किया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल, लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। लिमिट चार्जिंग को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, 80% के बाद जो है डिवाइस और चार्ज नहीं होगा। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम है उसे भी एडजस्ट करने का ऑप्शन है। सिम वन सिम टू के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो। स्मार्ट पॉज का ऑप्शन है, नाउ प्लेइंग, लाइव कैप्शन का जो फीचर से काम कर जाएगा। यहाँ पर डॉल्बी एटमोस, क्लियर स्पीकर, पर ऐप
वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है सच में काफी स्मूथ देखने को मिलेगा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ओटी अपडेट का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ पर गेस्ट्स के साथ जो है सभी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया है। काफी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पर रैपिड एनिमेशन का जो फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो फीचर से ऐड किया गया है, डायनेमिक लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैटरी परसेंटेज को ऐड किया है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शेड्यूल कर सकते हो। लिफ्ट टू चेक फोन का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, ब्लर को एनेबल कर सकते हो। डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एक्सट्रीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सच में काफी सही देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक्सिलर रॉम को ट्राई करके देखो, आपके डिवाइस के ऊपर काफी बढ़िया यूआई देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इस रॉम के साथ जो है कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है, तो आप जो है कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर MIUI कैमरा देखने को मिलेगा, HDR मोड काम कर जाएगा। तो यहाँ पर वॉइस शटर, AI कैमरा, टाइमर का ऑप्शन है, प्लस अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2x का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर 64 megapixel पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, ये सभी ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 4K 30fps तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर OIS का जो फीचर से ऐड किया गया है एंड प्रोमोट भी काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है गूगल कैमरा का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, GCam को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर कैमरा टू API के साथ जो है Level 3 का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड गेमिंग मोड को ऐड किया गया है, Gemini AI भी काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर प्ले स्टोर भी काम कर रहा है, Alexa को जो है प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। फिलहाल यहाँ पर Dolby Atmos का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है एंड फेस अनलॉक भी काम कर जाएगा। यहाँ पर एक फीचर से जो कि फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जो कि इन फ्यूचर डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को छोड़ के सभी जो फीचर से इस अपडेट के साथ काम कर जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट एक्सिलर का जो अपडेट है काफी स्टेबल एंड यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड 14 के साथ। एंड ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर जो स्मूथनेस है काफी सही है देख सकते हो। यहाँ पर जो कॉलिंग एनिमेशन है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पर मेजर लैग हमने नोटिस नहीं किया है। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी पोको A5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके प्रोजेक्ट एक्सिलर का जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।